तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग दिल्ली से खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं राजस्थान, तो किस प्रकार से आपको दिल्ली से कौन सी ट्रेन पकड़नी है और कहाँ उतरनी है, वहाँ से आपको कितनी दूर पड़ती है खाटू श्याम जी के मंदिर, सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कहाँ पर जो है सही होगा वहाँ जाने के बाद कौन सी जो है होटल लें, रूम लें या धर्मशाला में रुकें, ये सभी चीज़ें के बारे में आगे मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। और दोस्तों आपको इस वीडियो में खाटू श्याम जी के दर्शन भी करवाऊँगा क्योंकि मैं वहाँ पे गया हूँ दोस्तों, और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ का जो फील था, जो मैं वहाँ पर महसूस कर पाया हूँ, वो दोस्तों मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। जो वहाँ पर दोस्तों जाते हैं, वहाँ की जो अनुभव है, वहाँ पर जो फीलिंग होती है जाने के बाद, जो महसूस होता है, वो एक गजब का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली से राजस्थान जाना चाह रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, और आप सुबह सुबह ही जो है वहां पे पहुंचना चाहते हैं ताकि सुबह सुबह आप एकदम नहा धो के फ्रेश हो के अच्छे से जो है आप जो है खाटू श्याम जी के दर्शन करें, तो आपके लिए इस कंडीशन में सबसे अच्छी ट्रेन होंगी दोस्तों रात की 11:30 बजे वाली, जो कि है दोस्तों सैनिक एक्सप्रेस, और जो आपको पुरानी दिल्ली से मिल जाएगी, ठीक है। सैनिक एक्सप्रेस अगर आप पकड़ते हैं रात के 11:30 बजे, तो आपको जो है दोस्तों सुबह 7:30 बजे तक जो है राजस्थान में रिंगास स्टेशन पे आपको उतार देंगे, ठीक है। वहाँ पे उतरने के बाद आपको वहाँ से लोकल जो है गाड़ी पकड़नी पड़ेंगी। वहाँ से दोस्तों 18 किलोमीटर पड़ती है रिंगास से खाटू श्याम जी के मंदिर, उस गाँव का ही नाम है दोस्तों खाटू श्याम, जहाँ पर खाटू श्याम जी की मंदिर है, तो खाटू श्याम वहाँ से जो है आप बोलते रहते हैं लोकल जो गाड़ी होती हैं, जस्ट जो है आपके स्टेशन से बाहर से ही जो है दोस्तों आपको लोकल गाड़ी मिल जाएगी, ठीक। दोस्तों रिंगास स्टेशन से 18 किलोमीटर आने के बाद आपको खाटू श्याम में लेकर के आएंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो गेट दिख रहे हैं ना, यहीं पे आपको उतार देंगे, ठीक है। यहाँ से आपको अपने ठहरने के लिए जो है रूम या धर्मशाला या होटल देखना होगा, तो धर्मशाला आपको दोस्तों 200-250 में भी मिल जाएंगे, जिसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं एक ही बड़ा सा हॉल में, और वहाँ पर दोस्तों आपको जो है 500 रुपये में आपको रूम मिल जाएंगे बढ़िया सा, और थोड़ा सा आप जो है अंदर जाएंगे कॉलोनियों में जाएंगे तब आपको रूम मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉलोनी आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होते हैं, रूम जो है आपको 500 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आप 2 से 3 आदमी रह सकते हैं। सुबह आप अगर उसमें ठहरेंगे तो शाम के 6-7 बजे तक आपको उसको खाली करना होगा, ठीक है। इतने टाइम तक का आपको 500 रुपये लेगा। ये आप देख रहे हैं बगल में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, ये सब में जो है ना रूम ही दिया जाता है। रूम दोस्तों जो 500 रुपये में मिलेगा, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का रूम होता है। आप ये देखिए, मैं गेट खोलता हूँ, अंदर में आप देखिए कुछ इस टाइप का आपको छोटा सा कमरा मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आप जो है 3 आदमी आराम से इसमें आराम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहाने धोने सब चीज़ के लिए इसमें व्यवस्था होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, एक नंबर रूम होता है, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर आप ज़्यादा लोग होंगे, अगर आप 7-8 लोग होंगे, तो आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, आपको जो है थोड़ा बड़ा रूम दे देंगे थोड़ा सा, या फिर आप और दूसरा रूम भी ले सकते हो, ठीक है। बट रूम आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, और फिर आप
आपको पता ही यार, जितना पैसा आप खर्च करोगे उतना अच्छा आपको रूम भी मिल जाएगा। धर्मशाला का मैं वीडियो नहीं बनाया था, नहीं तो वो भी मैं आपको दिखा देता। बड़ा हॉल होता है और उसी के अंदर जो है काफ़ी सारे लोग अपने बिस्तर बिछा करके सो जाते हैं और उसमें जो है सब नहाने धोने की व्यवस्था उसमें भी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें भी। तो अपने बजट के अनुसार आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, मैं अपने घर से जो है जो मैंने रूम लिया हुआ था जो भी आपने देखा, वहाँ से दोस्तों मैं निकल चुका हूँ 10 बजे के बीच जो है खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और वहाँ से दोस्तों 2 किलोमीटर है तो इतना पैदल वहाँ से चलना ही पड़ता है। और जो जहाँ भी आप मतलब रूम या धर्मशाला लेंगे वहाँ से तो थोड़ा सा पैदल आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें दोस्तों रास्ते में जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं आपको कोई फूल बेचेंगे कि फूल ले लीजिए, काफ़ी सारे जो हैं पूजा पाठ के सामान की दुकानें आपको लाइनों में दिख जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे दोस्तों काफ़ी लोग आपको टीका वगैरह करने के लिए वहाँ पे रास्ते में ही खड़े रहते हैं लोग वाद। तो ये है दोस्तों आगे, और आप ये देखिए लाइन है जिसमें जो है सभी लोग आराम से जाते हैं, कोई धक्का मुक्की कोई किसी भी तरह की जो है मतलब अव्यवस्था चीज़ें नहीं होती है, सभी चीज़ें एकदम सही तरीके से वहाँ पे होता है, ठीक है। तो और भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मजे में, तमन्ना पूरी हो गई। एक बार दो बार दर्शन करने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार मेरी तसली नहीं हुई, अभी दोबारा से। फिर पता नहीं दोबारा कब मिलेंगे, नहीं अभी दोबारा जाएंगे, कोई बात नहीं, दिन भर यही कर रहे हैं, मिले घुमा जाएंगे। और तो भाई अभी हम लोग एक बार घूम करके आए हैं और फिर से दोबारा जा रहे हैं घूमने के लिए, तसल्ली नहीं हुआ। अरे इधर से